गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। एक बार चेक कीजिएगा वीडियो ऑडियो क्वालिटी। गुड मॉर्निंग ऑल, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। ऑल गुड, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर, ओके। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ फ्रेंड्स, एवरी वन ऑफ यू हैप्पी न्यू ईयर। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर दिस कमिंग ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर यू बिकॉज आपका एक फाउंडेशन का रिजल्ट है और आपका इंटरमीडिएट का एग्जाम है। जी हाँ, चलेगा फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हैप्पी न्यू ईयर, चलेगा। यस, जोरदार पार्टी किया रहेगा आप लोगों ने घर पे ही, आई विश। जी हाँ, मैंने भी घर पे ही पार्टी किया फैमिली के साथ। जी चलेगा फ्रेंड्स, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, क्या आपने होमवर्क किया? हैव यू डन होमवर्क? जल्दी से बताइएगा, क्या आपने होमवर्क किया? होमवर्क किया, क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क था। चलो, क्या आपने होमवर्क किया? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा फ्रेंड्स, होमवर्क इंपॉर्टेंट है। मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 13, आपने ही बोला था। जी हाँ, काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं यस 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 यस, होमवर्क किया है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जैसा एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, इफ यू रिमेंबर, रिवर्स वर्किंग का था। नीचे से ऊपर जाना था, तब मैंने एक वर्ड यूज किया था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक है, बताया था आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आपको रिवर्स जाना है, पीछे से ऊपर जाना है, यानी सपोज सेल्स या सीओजीएस वगैरह दिया था, वहां से हम लोग ऊपर गए थे, राइट? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था, ये एग्जाम में आया था नवंबर 2018, 10 मार्क्स के लिए आया था, न्यू सिलेबस के पेपर में ये क्वेश्चन था। ओके, सो मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये सॉल्व किया है, आई होप काफी सारे स्टूडेंट यस डाल रहे हैं। चलेगा फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस दैट, लेट्स डिस्कस इट्स आंसर। अगर कुछ क्वेरी रहेगा तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया था 1,80,000, डायरेक्ट वेजेस दिया था 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये एडजस्टमेंट ऑलरेडी हमने लिया था। अगर आपको याद आ रहा है, वहां पे था, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, डायरेक्ट वेजेस 17,500 है, विच आर 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, तो वहां से हमें फैक्ट्री ओवरहेड का फिगर पता चला था। देन यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है 18,75,000, तो यहां से आपको शुरुआत करना, यहां से आपको पीछे जाना है। यस, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है मलय जी, बराबर है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 60,000 दिया था, सेल्स दिया था। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। इसके बाद पर्टिकुलर्स 30 जून का डेटा दिया है, 30 सितंबर का डेटा दिया है। ओके, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। सबसे पहले तो आपको फाइंड करना था रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, आप लोगों का आंसर बराबर आया है नहीं आया है, लेट्स चेक दैट आंसर्स। जी हाँ, सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपने वर्कआउट किया रहेगा मटेरियल परचेसेस। ओके, मटेरियल परचेसेस का वर्किंग नोट, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, रिवर्स वर्किंग आपने किया रहेगा, सीओजीएस से शुरुआत किया। एंड फ्रेंड्स, जब मैंने डिस्कस किया था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तब आपको बोला था जो ऐड था वो लेस करना पड़ेगा, जो लेस है वो आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट? राइट फ्रेंड्स, सो यू कैन चेक दैट कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया था। सीओजीएस दिया था 18,75,000, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हम लोग नॉर्मल कॉस्ट शीट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करते हैं, यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा।
ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस किया, इसका फिगर डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया था, कोई वर्किंग नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आया था आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है आपका 18,10,000, अगेस प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है 18,40,000 आई गेस। नेक्स्ट वन, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना दिया था, 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ऐसा कुछ तो भी दिया था, 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। सबसे पहले तो आपने वो फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड किया रहेगा, अगेस वो फैक्ट्री ओवरहेड आपने कैसे फाइंड किया, उसका मैं एक वर्किंग आपको दे देता हूं। आपको क्वेश्चन में दिया है, आपको क्वेश्चन में दिया है वेजेस 175%, वेजेस 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू, और आपको इंफॉर्मेशन दिया है वेजेस का 257,257,250। तो ये इक्वेशन आपने सॉल्व किया रहेगा और यहां से आपको आ गया रहेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, सो फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 257,250 डिवाइडेड बाय 175%। जल्दी से आंसर दीजिएगा, आपके जो फैक्ट्री ओवरहेड्स आ रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड आ रहा है, वो कितना आ रहा है, जल्दी फ्रेंड्स जी जल्दी से बताइएगा, आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड आ रहा है, आपका जो प्रोडक्शन ओवरहेड आ रहा है, उसकी फिगर कितनी आई, 257,250 डिवाइडेड बाय 175%। जी हाँ, एकदम बराबर आंसर दिया है दुर्गा जोशी, इन्होंने 1,47,000, परफेक्ट है, 1,47,000 आपका आंसर आ गया। देन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना दिया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज इक्वल टू 10% मल्टीप्लाई बाय 1,47,000, तो ये आ गया आपका 14,700। आई होप सारे लोगों ने ये एडजस्टमेंट करेक्ट किया रहेगा, ओके सो 14,700 आपका आ गया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। हम लोग नॉर्मल कॉस्ट शीट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करते थे, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में यहां पे आपको लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका वर्क्स कॉस्ट 18,25,300। इसके बाद वर्किंग प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस 1,90,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 1,70,800। तो आपका जो फैक्ट्री कॉस्ट आ रहा है, वर्क्स कॉस्ट आ रहा है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है 18,44,500। इसमें हमने लेस कर दिया फैक्ट्री ओवरहेड, ऑलरेडी मैंने अभी वर्किंग दिखा दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड आर 1,47,000, सो 1,47,000 का मैंने दिखा दिया है। उसके बाद आएगा आपका प्राइम कॉस्ट, लेस करके आ गया प्राइम कॉस्ट 16,97,500। लेबर कॉस्ट आपको दिया था, लेबर कॉस्ट आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया था वो लेस कर दिया, लेबर कॉस्ट दिया था वो लेस कर दिया। ये आ गया आपका मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम में आपने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपने लेस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दिया, तो मटेरियल परचेसेस आ गया 12,22,650, और जो कंजम्पशन था 12,60,250। लेट मी चेक कितने लोगों ने बराबर किया है, 12,22,650, 12,60,250। जी हाँ, आई गेस जिन जिन लोगों ने आंसर दिया है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है। अरे चैंप लो, क्या आपने सजेस्टेड आंसर से कॉपी तो नहीं किया, अरे मेरे चैंप लोग, आपने सजेस्टेड आंसर से कॉपी तो नहीं किया, जल्दी बताइएगा, नहीं तो क्या सर, आपने तो बोला था सजेस्टेड आंसर का है वो कौन से अटेम्प्ट का है, 19 कुछ अटेम्प्ट का है, तो हम लोगों ने देख देख के किया, इज इट सो, ईमानदारी में सॉल्व किया ना, अरे कॉपी तो नहीं किया, मुझे रिप्लाई बताइएगा, अगर आंसर आपने करेक्ट लाया है प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा, कॉपी तो नहीं किया आपने, मुझे पता है आप कॉपी नहीं करेंगे, चलिएगा। सो इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो डिस्कस करना कोई अभी मायने नहीं रखता, जो मेन पार्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया था, बस इसके आगे आपको वापस से कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना था, जैसे मटेरियल कंजम्पशन से शुरुआत किया, ओपनिंग स्टॉक परचेसेस, ठीक है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, कंजम्पशन आ गया, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, सो सीओजीएस तक तो आप आ गए 18,75,000। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आपने ऐड कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आया, सेल्स दिया हुआ था, फाइनली 2,75,000 का आपका प्रॉफिट आया। एक एजम्पशन लिखिएगा, जी हाँ आई नो आप चैंप लोग हो, आपने कहा से भी कॉपी नहीं किया है, तो सबसे पहले तो एक एजम्पशन लिखिएगा, एज्यूम दैट, सबसे पहले एक एजम्पशन लिखिएगा, एज्यूम दैट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन,
assume that administration overheads are related with the production. Administration overheads are related with the production. अब ये हिंट मैंने क्यों दिया है, इसका भी एक रीजन है फ्रेंड्स। ये हिंट मैंने क्यों दिया, इसका एक रीजन है। देखिएगा, इंस्टीट्यूट दोनों एजम्पशन से सॉल्व करवा के दिया, ये आपके सामने आंसर है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सजेस्टेड आंसर है, ये मेरा आंसर नहीं है, ये सजेस्टेड आंसर है। और यू कैन चेक दैट 2,75,000 उन्होंने यहां पे लिया नेट प्रॉफिट, और आप चेक कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड उन्होंने कंसिडर किया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन उन्होंने कंसिडर किया है। एक और उन्होंने अल्टरनेटिव आंसर दिया है, देखिएगा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी उन्होंने दिया हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट ने यह एज्यूम किया रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर जनरल, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर रिलेटेड विद द सेल्स। तो ऐसे सिचुएशन में देखिएगा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नीचे भी लिया हुआ है, वहां पे आंसर डिफरेंट है, यानी जो प्रॉफिट का फिगर वो ऑब्वियसली डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो आप कोई भी एजम्पशन लीजिएगा, देखिएगा इंस्टीट्यूट ने दोनों एजम्पशन से सॉल्व करके दिया है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। यू कैन एज्यूम इट एज अ फैक्ट्री ओवरहेड्स, और यू कैन फैक्ट्री रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और यू कैन एज्यूम इट एज अ जनरल ओवरहेड्स। देखिएगा दोनों में आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ओके, आपके सामने ही है, जिन लोगों ने ये मेथड से सॉल्व किया है उनको भी पूरा 10 मार्क्स मिलेगा, जिन लोगों ने पहले वाले मेथड से सॉल्व किया है उनको भी पूरा मार्क्स मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि आप लोगों ने एजम्पशन लिखना जरूरी था, ठीक है। जब आप ऐसा डाइसी सिचुएशन है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड किसके रिलेटेड है, ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बिंदास आप वहां पे एजम्पशन लिख के आइएगा। जी हाँ, ये एजम्पशन पे है रजनी जी, कि ऐसा नहीं कि फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोडक्शन का होना चाहिए, ठीक है, वो जनरल भी हो सकता है, तो वो अपना एजम्पशन है। ओके, या फिर आप ये एज्यूम कर सकते हो कि 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड से, 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, इसका मतलब वो फैक्ट्री पे डिपेंडेंट है, हेंस वी एज्यूम इट एज अ प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड्स, ऐसा आप एजम्पशन लिख सकते हो। ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रायोरिटी उसको देना है, कि फैक्ट्री को प्रायोरिटी देना है या फिर जनरल को प्रायोरिटी, प्रायोरिटी कुछ भी नहीं है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगा। चलेगा, आई होप एवरीवन इज क्लियर। कुछ डाउट रहेगा इसका तो हम लोग बाद में एंटरटेन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज हमें आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फ्रेंड्स। आज जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर इसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, मस्ट रीड बिफोर द एग्जाम। ऑल क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट। अब मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा रिविजन बिफोर एग्जाम, रिविजन बिफोर एग्जाम। सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन अब आपके आगे आ रहे हैं, ठीक है। इसमें एक दो क्वेश्चन नहीं है, मैं वो बता दूंगा कि ये एग्जाम के पहले रिवाइज नहीं किया तो भी चलेगा, जो मैं होमवर्क देने वाला हूं। लेकिन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये मस्ट रीड बिफोर एग्जाम है, सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। और जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, आपका जो बैच है वो पूरा अमेंडेड बैच है। कुछ क्वेश्चन रिसेंटली आपके स्टडी मटेरियल में ऐड हुए हैं सर, कुछ क्वेश्चन आपके रिसेंटली स्टडी मटेरियल में ऐड हुए हैं, वो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, या फिर रिसेंटली नवंबर 2020 के पेपर का क्वेश्चन है वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। ये तो पूरा अमेंडेड बैच है, ठीक है। ये जो भी कुछ नोट्स है वो पूरा अमेंडेड है, आपका जो नया स्टडी मटेरियल है वो नए स्टडी मटेरियल के हिसाब से वो हमने अमेंड किया है। इसके आगे के सारे क्वेश्चन, इसके आगे के सारे सारे क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट। नोट्स कहाँ है, नोट्स आप डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दिया हुआ है, यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए, नोट्स आपने डाउनलोड कर लिए, जल्दी बताइएगा। ये नया नोट्स दिया है ना मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स रहता है, परफेक्ट काम है मेरा, मैं पहले ही दे देता हूं, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए चेक करो नोट्स आपने डाउनलोड किए क्या। ओके, हो गया, यानी नोट्स अवेलेबल है। चलिएगा, 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूं, अब मैं सिर्फ 2 मिनट रुकने वाला हूं क्वेश्चन पढ़ने के बाद, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। तब तक आप 2 मिनट आप आगे बढ़ते जाइएगा, ठीक है।
उसके बाद में इमीजिएटली सॉल्व करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं होएगा कि पहले पूरा आप सॉल्व करेंगे उसके बाद में सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ लीजिए, मैं एक एक पॉइंट आगे लिखते जाऊंगा, सो दैट आपका टाइम सेव होएगा, ओके। और आप मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग क्लास में कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। आइएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 पे, सब लोग आइएगा क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14, 15, 16 आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज हमें ये तीनों क्वेश्चन कवर करना है। कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, कुछ नए पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मंथली कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज। मंथली कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ओपनिंग इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का इंफॉर्मेशन दे दिया इन्होंने 10,000 यूनिट्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का क्वेश्चन मार्क है। अच्छा क्वेश्चन मार्क है तो कोई टेंशन नहीं, हमें वो कैलकुलेशन करके दिखाना है, प्रोडक्शन कॉस्ट अपन प्रोडक्शन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद है आपका रॉ मटेरियल परचेसेस, नेक्स्ट कंसेप्ट है। रॉ मटेरियल परचेसेस दिया है 1,44,00,000 रुपीज का। एक इंपॉर्टेंट नया एडजस्टमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं, एंड दैट नया एडजस्टमेंट इज GST पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेसेस, ITC अवेलेबल। ITC का फुल फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या कंसेप्ट है बताने वाला हूं, इसलिए तो ये एक नया कंसेप्ट था, नया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए बोला था। वेजेस पेड टू द प्रोडक्शन वर्कर्स, ठीक है, वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटी, ये एक नया पॉइंट है, अब तक ये पॉइंट नहीं आया था यूटिलिटीज पे एक्सपेंसेस पे किया आपने। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड, एंड फ्रेंड्स स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला कि ये जनरल है। ट्रैवलिंग अलाउंस पेड टू ऑफिस स्टाफ, बी केयरफुल, ट्रैवलिंग अलाउंस है लेकिन ये कौन से स्टाफ को है, ऑफिस के स्टाफ का ये ट्रैवलिंग का अलाउंसेस है। इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन दिया सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। मशीन अवर्स वर्क 21,600 अवर्स एट द रेट ऑफ 8 पर आवर, ऐसा एक एडजस्टमेंट हमने देखा था फ्रेंड्स। मशीन आवर्स पे आपके ओवरहेड्स डिपेंडेंट है, वहां पे भी रेट आई गेस 8 रुपीज पर आवर ही था। तो 21,600 आवर्स काम किया, 1 आवर के लिए फैक्ट्री ओवरहेड का रेट है 8 रुपीज। मशीन ओवर रेट यानी ये फैक्ट्री ओवरहेड का रेट रहता है 8 रुपीज पर आवर। 21,600 मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट सोल्ड आर 1,60,000, यूनिट प्रोड्यूस इज 1,94,000, डिजायर्ड प्रॉफिट इज 15% ऑन सेल्स, ठीक है। तो यहां पे आपको क्लोजिंग स्टॉक वगैरह का वर्किंग भी देना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन में जो नया पॉइंट है सबसे पहले तो वो डिस्कस करते हैं। आपको डिटेल में ये जीएसटी के लेक्चर में समझ में आएगा, लेकिन मैं फिलहाल थोड़ा कंसेप्ट आपको बता देता हूं इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC, जीएसटी का कंसेप्ट है, ठीक है। विशाल सर बहुत डिटेल में आपको बताएंगे, फिलहाल कॉस्टिंग के रिलेटेड जो पार्ट है मैं आपको बता रहा हूं। ये एक नया एडजस्टमेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, जीएसटी का ये कंसेप्ट है। सपोज चैंप लोग लिमिटेड आपका फर्नीचर का फैक्ट्री है, चैंप लोग लिमिटेड आपका फर्नीचर का फैक्ट्री है, और आपने इसके लिए रॉ मटेरियल परचेस किया था। रॉ मटेरियल आपने परचेस किया DC इंडस्ट्री से, मेरे कंपनी से आपने रॉ मटेरियल परचेस किया। तो क्या परचेस किया आपने, सपोज आपने वुड परचेस किया, आपने आयरन एंड स्टील मेरे कंपनी से परचेस किया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूंखार एग्जांपल है, ठीक है फ्रेंड्स। आयरन एंड स्टील आपने मेरे कंपनी डीसी कंपनी से परचेस किया, 1,00,000 रुपए का बिल हुआ, और इस पे जीएसटी सपोज 18% था, तो 18,000 रुपीज का जीएसटी मिला, 18,000 रुपीज का जीएसटी पे करना पड़ा। तो टोटल आपने मुझे पे किया 1,18,000 रुपीज, टोटल आपने मुझे पे कर दिया 1,18,000। ये तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था, ये तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था कि 1,00,000 रुपए परचेस किया, 18% इस पे जीएसटी पे कर दिया, तो ये 1,18,000 का बिलिंग हुआ। अब चैंप लो कंपनी रॉ मटेरियल से, अब ये आप फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपने बेंचेस मैन्युफैक्चर किए,
अब इतने जो रॉ मटेरियल थे ये बेंचेस आपने सेल किए वी स्मार्ट एकेडमी को, और ये जो टोटल मटेरियल था इसमें कितना बेंच बना, तो 2 लाख रुपए का बेंच बना फ्रेंड्स। जी हाँ, 2 लाख रुपए का बेंचेस बना। तो आपने जो सेल है वो 2 लाख रुपए का किया वी स्मार्ट एकेडमी को, इस पे आपने जीएसटी चार्ज किया, सपोज 18% का जीएसटी चार्ज किया, 2 लाख पे 18% का जो जीएसटी आता है वो 36,000 आता है। वी स्मार्ट एकेडमी से आपने 2,36,000 कलेक्ट किया। चलो ये एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल में आपको कुछ डाउट है क्या? जी हाँ, ये एग्जाम्पल में आपको कुछ डाउट है, ये समझ में आया क्या? बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिया, रॉ मटेरियल परचेज किया मैंने 1 लाख रुपए का, उस पे जीएसटी आपने पे किया 18% का, 18,000, टोटल 1,18,000। उससे आपने बेंचेस मैन्युफैक्चर किया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, बराबर है, प्रॉफिट वगैरह अर्न किया, लेबर वगैरह आपको लगा, फैक्ट्री के खर्चे लगे, तो आपने वो सारे जो बेंचेस है वो 2 लाख रुपए में बेचे, 2 लाख रुपए में वी स्मार्ट अकेडमी को बेचे, वहां से 18% का जीएसटी भी आपने कलेक्ट किया, तो 36,000 का आपने जीएसटी कलेक्ट किया। ओके, और आपने वी स्मार्ट अकेडमी से टोटल पेमेंट कितना लिया, तो 2,36,000 का लिया। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, ये जो पूरा की पूरा ट्रांजेक्शन हो रहा है रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट, 2 बार आपको जीएसटी पे करना पड़ा, एक परचेस करते वक्त पे कर रहे और दूसरा सेल करते वक्त पे कर रहे, ठीक है, एक परचेस करते वक्त पे हो रहा है और दूसरा सेल करते वक्त हो रहा है। तो आप गवर्नमेंट को बोलेंगे, अरे गवर्नमेंट एक ही प्रोडक्ट में मैं 2 बार जीएसटी कैसे पे करूं, एक ही प्रोडक्ट पे मैं 2 बार जीएसटी कैसे पे करूं? तो गवर्नमेंट बोलते, तू टेंशन मत ले, तूने जो रॉ मटेरियल पे, भाई अभी ध्यान से सुनना बॉस साहब, मैं बहुत ही खूंखार कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, ये कंसेप्ट आगे लगेगा और ये जीएसटी में भी आपको यूजफुल है, हर एक क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूजफुल है। तो गवर्नमेंट आपको बोलता है, अरे बंदे, अरे टेंशन मत ले बाऊजी, टेंशन मत लो। ओके, तो बाऊजी क्या करो, ये जो आपने परचेसेस पे 18,000 रुपीज का जीएसटी पे कर दिया है, इसका आईटीसी लो। उसका क्या लो? आईटीसी लो, इनपुट टैक्स क्रेडिट लो। अच्छा, आईटीसी ले लो 18,000 का। तो आपने गवर्नमेंट को पूछा, बाऊजी ये 18,000 का यूज क्या है? तो गवर्नमेंट आपको बोलता है, ओके ये 18,000 का आप एज अ क्रेडिट ले लो, और जब आप बेचने के लिए जाएंगे और बेचते वक्त जो जीएसटी आएगा उसमें से बाऊजी ये लेस कर दो। तो अब आप मुझे बताइएगा, मेरे पास क्रेडिट है 18,000 रुपीज का, मुझे बेचना है 36,000 का, जीएसटी 36,000 का लगा, अब आप मुझे बताइएगा मैं गवर्नमेंट को नेट कितना पे करूंगा, मैं गवर्नमेंट को कितना पे करूंगा अभी? क्योंकि देखिए, अब वीस्मार्ट एकेडमी से 36,000 कलेक्ट किया है, तो 36,000 गवर्नमेंट के अकाउंट में जाना चाहिए, लेकिन यही रॉ मटेरियल पे ऑलरेडी मैंने कितना पे करके रखा था, 18,000 पे करके रखा था। अब मैं गवर्नमेंट को वापिस से 36,000 नहीं दूंगा, मैं गवर्नमेंट को कितना दूंगा, सिर्फ 18,000 रुपीज दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने परचेस करते वक्त 18,000 रुपीज पे कर दिया था डीसी इंडस्ट्रीज को, और डीसी ने गवर्नमेंट को पे किया था ये 18,000 रुपीज। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट लेना, आर यू गेटिंग द पॉइंट, इसको बोलते हैं क्रेडिट लेना, ठीक है, समझा क्या रे बाऊजी, समझा? 18,000 का क्रेडिट लिया, और ये क्रेडिट का यूज क्या है, जब मैं फाइनल प्रोडक्ट पे जीएसटी पे करने के लिए आएगा उसके लिए मैं यूटिलाइज करूंगा। से फॉर एग्जाम्पल, एक अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं, चलो जल्दी से आंसर दीजिएगा, आपको समझ में आया तो आप आंसर दे सकते हैं। अगर परचेस करते वक्त मैंने 10,000 रुपए का जीएसटी पे किया, अगर परचेस करते वक्त मैंने 10,000 का जीएसटी पे किया, तो ये जो वी स्मार्ट का ट्रांजेक्शन है तब पे करना कितना पड़ेगा मुझे नेट? इनपुट का मैंने 10,000 का क्रेडिट लिया, सपोज 18,000 की जगह पे सपोज 10,000 का क्रेडिट मिला है, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा ये वी स्मार्ट एकेडमी का जो ट्रांजेक्शन है हुआ है वहां पे, अगर 10,000 का क्रेडिट अवेलेबल है इंस्टेड ऑफ 18,000? चलो फटाक से आंसर दीजिएगा, चलिए फटाक से आंसर दीजिए, यस 26,000 पे करना पड़ेगा। अरे झेपा क्या मालिक, 36,000 सेल पे पे करना है, ऑलरेडी मैंने 10,000 पे करके रखा था, उसका गवर्नमेंट ने मुझे क्रेडिट दे दिया। ओके, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 26,000। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आई होप ये आपको जीएसटी का इनपुट का कंसेप्ट, टैक्स का, आईटीसी का कंसेप्ट समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। अब मैं और डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा,
मटेरियल टॉपिक में भी ये यूजफुल है। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट फ्रेंड्स। तो अभी अकाउंटिंग एंट्री क्या होएगा? जी हां दुर्गा जोशी, अल्टीमेटली बर्डन तो कस्टमर पे आता है, तो जीएसटी यही है, अल्टीमेटली कस्टमर से रिकवर किया जाता है, जो एंड यूजर है उससे कलेक्ट किया जाता है जीएसटी या फिर इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स के पहले लेक्चर में आपने देखा रहेगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, किसी और पे बर्डन शिफ्ट करो, जो अल्टीमेट बायर है उस पे उसको पूरा बेयर करना पड़ता है। चलिएगा, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ। अब आप अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करेंगे? ठीक है, अरे चैंप लोग ध्यान दीजिएगा, आप अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करेंगे अगर क्रेडिट मिलता है तो? फ्रेंड्स, परचेसेस अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए का, आईटीसी क्रेडिट अकाउंट डेबिट या फिर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आ गया आपका 18,000 रुपए का। टू, कैश ऑब्लिक बैंक या फिर अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है तो डीसी इंडस्ट्रीज 1,18,000 रुपीज का। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ये आपका अकाउंटिंग एंट्री होगा, परचेसेस 1 लाख पे दिखाएंगे और फ्रेंड्स परचेसेस में 18,000 ऐड नहीं किया क्योंकि इसका क्रेडिट मिला है, इससे आप आपके जो फाइनल प्रोडक्ट पे ड्यूटी आएगा वो कम हो जाएगा उतने अमाउंट से, इसलिए वो आपकी कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट सिर्फ 1 लाख रुपए का है। चैंप मलिक, समझ में आ गया आप सब लोगों को? अब अगला कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा, आप एडवांस में बता रहा हूं ये कंसेप्ट आपको। कुछ कुछ कंपनीज ऐसे हैं, कुछ कुछ एसेसीज ऐसे हैं जिनको क्रेडिट नहीं अलाउड करती है गवर्नमेंट, जिनको क्रेडिट अलाउड नहीं करती है। कुछ कुछ एसएससी ऐसे हैं जिनको क्रेडिट अलाउड नहीं करती है। एग्जाम्पल दे देता हूं, कंपोजिशन स्कीम। ये कंपोजिशन स्कीम वगैरह क्या है जीएसटी में आपको समझेगा। कंपोजिशन स्कीम एकदम सिंपल ये है कि आपको इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलेगा और आउटपुट यानी जो आप बेच रहे हो उस पर 18% मत पे करो, उस पर 1%, 2% एक कंसेशन रेट है वो पे करो। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है अगर तुझे वो कंसेशन 1%, 2% पे करना है, कंपोजिशन स्कीम में तुझे आना है, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया आईटीसी नॉट अलाउड, आप क्रेडिट नहीं ले सकते, क्वेश्चन में बोलते आपने को टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन में अगर बोला कि आईटीसी इज नॉट अलाउड टू दैट एसएससी, ऐसे सिचुएशन में आप अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करेंगे? परचेसेस अकाउंट डेबिट 1,18,000 एंड टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक डीसी 1,18,000 रुपीज का, क्रेडिट मिला, कॉस्ट में एड नहीं किया। क्रेडिट अगर नहीं मिलता है, गवर्नमेंट अगर आईटीसी क्रेडिट आपको रिजेक्ट कर देता है, तो वो जो 18,000 का जीएसटी आपने पे कर दिया वो आपको कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। जी हां, झेपा क्या सब लोगों को? जल्दी बताइएगा फ्रेंड्स, जल्दी बताइएगा। क्रेडिट मिला तो कॉस्ट में मत लो, परचेसेस के अमाउंट में मत लो, और अगर क्रेडिट नहीं मिलता है तो जो जीएसटी आपने पे किया है वो आप परचेसेस के अमाउंट में ऐड कर दो। क्या सब लोगों को ये समझ में आया? सच में बताइएगा फ्रेंड्स, सच में बताइएगा, ये क्रेडिट का कंसेप्ट समझ में आया क्या? ठीक है, विशाल सर चैंपियन है इसमें, तो वो आपको बहुत ही डिटेल में बताएंगे, फिर भी जितना आपको समझना चाहिए कॉस्टिंग रिलेटेड उतना मैंने आपको बता दिया। इसका बेनिफिट समझो ना आप, इनपुट का जो 18,000 आपने पे किया है उससे आपकी जो सेल की लाइबिलिटी उतनी कम हो गई ना, 36,000 आपने पे करना चाहिए था लेकिन आप 18,000 ही कस्टमर से 36,000 कलेक्ट किया, लेकिन 18,000 का ऑलरेडी आपने पे करके रखा था, तो आपको सिर्फ 18,000 ही पे करना पड़ा, कम पे करना पड़ा। इसको बोलते हैं भाई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं आना, आपको सीखेंगे ये कंसेप्ट टैक्स में, कैस्केडिंग इफेक्ट। देख, गवर्नमेंट बोलती है टैक्स पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो सपोज इन्होंने क्रेडिट नहीं दिया तो फ्रेंड्स ये 18,000 आप कॉस्ट में ऐड कर देंगे और वापस फाइनल प्रोडक्ट पे उस पर भी जीएसटी आएगा, तो गवर्नमेंट बोलता है भाई टैक्स पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसलिए तू क्रेडिट ले ले।
चलिएगा अगेस। तो ये एक नया कंसेप्ट था फ्रेंड्स। आपको वो जो कंसेप्ट का बुक दिया था, वो कंसेप्ट के बुक में आप चेक करो यूटिलिटीज कहां पे लेना है, या फिर मुझे अभी कमेंट में बता दीजिएगा। एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज 1,45,600। एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज 1,45,600। ये क्या है फ्रेंड्स? यूटिलिटीज का खर्चा याद करो, या फिर आपको वो जो बेसिक का मैंने दिया हुआ था। एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज, यस यू आर करेक्ट। दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट फ्रेंड्स? तो ये एक नया कंसेप्ट था, दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिएगा, चलिए कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। राइट ऑन। सबसे पहले एक वर्किंग नोट दे देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक की फिगर। जी हां, क्लोजिंग स्टॉक की फिगर। जल्दी से लिखिएगा ये वर्किंग नोट, क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा फ्रेंड्स? या फिर प्रोडक्शन का इंफॉर्मेशन वगैरह चेक कीजिएगा। यूनिट सेल आपको दिया हुआ है, यूनिट्स प्रोड्यूस दिया है, ओके। ओपनिंग स्टॉक, प्लस प्रोडक्शन, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक देखिएगा फोर्थ लाइन में दिया, ऊपर ओपनिंग स्टॉक इज 10,000 यूनिट्स। आपने प्रोडक्शन कितना किया है? तो प्रोडक्शन किया है दिया है 1,00,000, कितना है? 94,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन है, 1,94,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन है। सेल कितना किया है आपने? तो 1,60,000 का सेल है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 44,000। आपने अच्छे से इसका वर्किंग नोट दिया, 44,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। चलिए लेट्स प्रिपेयर कॉस्ट शीट। जल्दी से क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, आपने पहले ही ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा है। अब आप थोड़ा आगे बढ़ लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था आप स्टार्ट कर लीजिएगा, 2 या 3 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है? तो यानी आपका कॉपी भी नहीं होएगा और जल्दी जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला नहीं है फिर भी दो कॉलम आप कंसिडर कीजिएगा, बोला नहीं है फिर भी दो कॉलम कंसिडर कीजिएगा, एक आएगा आपका टोटल और एक आएगा आपका पर यूनिट, ठीक है? तो इंस्टीट्यूट ने इसका जो आंसर दिया है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करना है मुझे। तो एक टोटल का कॉलम लीजिएगा और एक पर यूनिट का कॉलम लीजिएगा, और पर यूनिट का भी कैलकुलेशन कीजिएगा। अब मैंने थोड़ी देर पहले जीएसटी का कैलकुलेशन आपको दिखाया,
मैंने थोड़ी देर पहले जीएसटी का आपको कैलकुलेशन सर बहुत ही इंटरेस्टिंग वो जो एक्सप्लेनेशन है वो किया। अब आप मुझे बताएंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया क्या। 1,44,00,000 रुपीज का रॉ मटेरियल परचेज किया, जिसपे आपने जीएसटी पे किया 7,20,000, ठीक है, और आगे बोला है आईटीसी इज अवेलेबल, और आपने यहां पे बोला है कि आईटीसी अवेलेबल, तो जल्दी से बताइएगा मैं परचेसेस में कितना लिखूंगा, क्या दोनों का एडिशन होएगा या सिर्फ 1,40,1,44,00,000 आएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। पूरा एक्सप्लेन किया फिर भी आप यही क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो, जल्दी से बताइएगा क्या जीएसटी कॉस्ट में ऐड होगा या कॉस्ट में ऐड नहीं होएगा। मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या जीएसटी परचेसेस कॉस्ट में ऐड होगा या परचेस वाले कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। यस, आप बराबर है, 1,44,00,000 लिखना है। मैंने इतना सिंपल प्रेजेंटेशन करने के बाद भी कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे कि जीएसटी का क्या करना। अरे मालिक, मैंने क्या बोला, मैंने आपको अकाउंटिंग एंट्री लेके बोला कि भाई अगर आपको क्रेडिट मिलता है तो परचेसेस 1,00,000 दिखाओ, अगर आपको क्रेडिट नहीं मिलता है तो परचेसेस में ऐड कर दो वो। तो इतना सिंपल बताया था मैंने कि अगर आपको आईटीसी मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है जीएसटी का, तो अगर आपको जीएसटी का क्रेडिट मिल रहा है तो कॉस्ट में ऐड नहीं करना है वो, तो परचेसेस 1,00,000 दिखाया, और अगर आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता है तो 1,18,000 दिखाना है। ओके, तो इधर तो स्पेसिफिकली बोल रहे हैं लोग आईटीसी इज अवेलेबल, तो आपको कॉस्ट में ऐड नहीं करना है। चलो मालिक ये बता दो, ये 7,20,000 का क्या करेंगे, चलो आगे, ये 7,20,000 का क्या करेंगे, ये बताइए ना, 7,20,000 का क्या होएगा फिर, ये जो आपने जीएसटी पे किया परचेस करते वक्त 7,20,000, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताइएगा। फास्ट आंसर देते रहिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी करो, आज हमें वो 3 क्वेश्चन एटलीस्ट कंप्लीट करना है। 7,20,000 का जो जीएसटी पे किया उसका आगे जाके क्या होएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, आंसर अब तक नहीं आया मुझे। सेल से माइनस नहीं होएगा, ठीक है, सेल से माइनस नहीं होएगा, सेल पे जो जीएसटी पे करेंगे, सेल पे जो जीएसटी पे करेंगे वो 7,20,000 से कम हो जाएगा। सपोज सेल पे आपको 10,00,000 रुपए का जीएसटी पे करना है, तो ऑलरेडी आपको 7,20,000 का क्रेडिट मिल चुका है, तो 2,80,000 रुपीज का ही आपको नेट पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सेल करते वक्त जो जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, सेल करते वक्त जो जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा कस्टमर से, जो जीएसटी आप कलेक्ट करेंगे उसमें से 7,20,000 कम होगा, हमें बाकी उसका कोई लेना देना नहीं है। चलेगा, टीटी इंडस्ट्री आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं वही बोल रहा हूं, सेल पे जो जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें से वो 7,20,000 लेस करना पड़ेगा, आप कौन सा कंसेप्ट कहां लेके जा रहे हो भाई। चलेगा, स्टार्ट करो आप लोग, कॉस्ट शीट, एक आपको एक टोटल फिगर कंसीडर करना है और आपको एक पर यूनिट का फिगर कंसीडर करना है। मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन पर यूनिट से करवा रहा हूं क्योंकि आपके जो आरटीपी का क्वेश्चन है, और नवंबर 20 आई गेस ये आरटीपी का क्वेश्चन है, ठीक है, और जो पर यूनिट का डेटा आ रहा है ना वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो वैसे सिचुएशन में क्या करना, फ्रैक्शन में आ रहा है इसलिए ये क्वेश्चन मैंने कंसिडर किया, ठीक है ना। चलिएगा, सबसे पहला पॉइंट आपने लिखा रहेगा मटेरियल कंज्यूम्ड, आप आगे करते जाइएगा और आंसर साइमल्टेनियसली चेक करते जाइएगा, आप बोर्ड पे मत आप चेक करो, ठीक है ना, आप आपका खुद का वर्किंग करो।
टीटी इंडस्ट्री, ये क्या सवाल आप पूछ रहे? फ्रैक्शन बोले तो आप सच में इंटर में ही हो ना, या मेरी मजाक ले रहे हो? कौनो फिरकी ले रहा है? वैसे टीटी इंडस्ट्री मेरा फिरकी ले रहा है। फ्रैक्शन बोले तो कॉमर्स के स्टूडेंट को फ्रैक्शन नहीं पता, तो भाई ये यानी जानबूझ के शायद क्वेश्चन पूछ रही है। अरे क्या टीटी इंडस्ट्री, क्यों तंग कर रहे हो कुछ भी क्वेश्चन पूछ के? रॉ मटेरियल परचेसेस आपने लिखा है 1,44,00,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 12,00,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 14,00,000। कितना आया बताइएगा? मटेरियल कंज्यूम बताइएगा, फटाक से आंसर दीजिएगा। हाउ मच इज अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम? 1,42,00,000 आया। प्लीज सब लोग एक बार चेक कीजिएगा, इज इट 1,42,00,000? वन करोड़ 42 लाख, ठीक है। अब पर यूनिट में डेटा लिखना है हमें, अब पर यूनिट में डेटा लिखना है, तो आप मुझे बताइएगा, डिवाइड करना पड़ेगा ये 1,42,00,000 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन की क्वांटिटी, एंड प्रोडक्शन की क्वांटिटी है आपकी 1,94,000। 1,94,000, जी हाँ। प्लीज आप डिवाइड कीजिएगा, आप मुझे आंसर दीजिएगा, कितना है आंसर? जी हाँ, जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा पर यूनिट कितना है। 1,42,00,000, इसको आपने डिवाइड कर लिया, कितना था? 1,94,000। आपका जो आंसर आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, बराबर है। 73.1958 आ रहा है, राइट है फ्रेंड? 73.1958, बराबर है। 1,958 ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसको राउंड अप करना है। ऑप्शन आपका है, 4 डिजिट तक आप फ्रैक्शन ले सकते हो, या फिर 2 डिजिट तक आप फ्रैक्शन ले सकते हो। ऑप्शन आपका है, ठीक है। जनरली इंस्टीट्यूट 2 डिजिट तक फ्रैक्शन लेता है। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 73.1958। तो अगर 2 डिजिट तक फ्रैक्शन लिखना है तो 73.20 आई एम गोइंग टू कंसिडर, ठीक है, चलेगा। ये एक फ्रैक्शन का नया कंसेप्ट था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको पर यूनिट से भी सॉल्व करने के लिए बोला। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट वेजेस, फटाफट से आंसर देते रहिएगा। डायरेक्ट वेजेस कितना है? वेजेस पेड इज 36,64,000। 36,64,000 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन क्वांटिटी पर यूनिट चेक करो कितना आया, फटाक से आंसर दीजिएगा। 36,64,000 को आप डिवाइड कीजिएगा प्रोडक्शन क्वांटिटी से, तो आपका आंसर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 18 पॉइंट ऐसे कुछ तो भी आ रहा है। एटीन पॉइंट एट नाइन आएगा फ्रेंड्स, 18.89 आएगा। जी हाँ, देखिए 18.8865 है। तो फ्रेंड जब आप फ्रैक्शन लेते हो, ये तो आपको मुझे अभी बताने का जरूरत नहीं है कि कैसे आप वो राउंड अप करते हो। आगे का अगर 5 से ज्यादा है तो आप यहाँ पे 9 लिखते हो ना, ठीक है। ये बेसिक हम लोगों ने 11th में सीखा था। सो 18.89। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट वेजेस के बाद क्वेश्चन में चेक करो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है क्या। एक नया एडजस्टमेंट है, रेड पेन से लिखो। ये एक नया एडजस्टमेंट सीखा है हमने, रेड पेन से लिखिएगा या फिर हाईलाइट कीजिएगा। चलेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हाईलाइट कीजिएगा और वहां पे लिखो आपने जो पेमेंट किया वो किसका पेमेंट किया, यूटिलिटीज। आपने मुझे बताया था पेमेंट फॉर यूटिलिटीज,
पेमेंट फॉर यूटिलिटीज है 145,600, 1,45,600, डिवाइड कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। आगे 0.75 आपका आंसर आया। आंसर आया, ठीक है। जल्दी से बताइएगा प्राइम कॉस्ट कितना आया। जल्दी आंसर देते रहिएगा, प्राइम कॉस्ट कितना आया। वन करोड़ 80,09,600, 1,80,09,600 पर यूनिट बता दीजिएगा कितना आया। 92.84, ओके 92.84 आपका पर यूनिट आंसर आया, ठीक है। दुर्गा मैम आपने क्वेश्चन पूछा है सर वेजेस टू प्रोडक्शन वर्कर, ये तो फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। अरे प्रोडक्शन वर्कर, प्रोडक्शन काम क्या है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, तो ये प्रोडक्शन वर्कर है, तो इसका इनडायरेक्ट वेजेस का कहां पे सवाल आता है। प्रोडक्शन वर्कर जो प्रोडक्शन करता है, वो प्रोडक्शन कौन करता है, जो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, वो डायरेक्ट वर्कर है। चलेगा 92.84 आपका आंसर है, चलेगा। प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग ऐड करेंगे फटाक से फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है, चेक कीजिएगा फैक्ट्री ओवरहेड कहां है। फैक्ट्री ओवरहेड्स नीचे है। मशीन आवर्स कितना काम किया है, 21,600, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। मशीन आवर्स आपने काम किया है 21,600 और मशीन आवर का रेट जो रहता है वो 8 रुपए है। अगर आपको याद आ रहा है मैंने 6 रेट बताए थे, मशीन आवर रेट, लेबर रेट, यूनिट रेट, परसेंटेज ऑफ मटेरियल, परसेंटेज ऑफ लेबर, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये जो रेट है ये ओवरहेड्स का रहता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का रहता है। ओवरहेड टॉपिक में डिटेल में समझेगा। सो 21,600 इंटू 8, 21,600 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 8 रुपीज, कितना आंसर है एनीवन। वन लैख 72,800, ठीक है 172,800। इमीडिएटली पर यूनिट भी बताते जाइएगा, 172,800 डिवाइडेड बाय 1,94,000 पर यूनिट भी बताते जाइएगा, दोनों आंसर एक साथ दीजिएगा जल्दी से। अरे थोड़ा फास्ट करो ना, जल्दी आंसर दो, पर यूनिट कितना आ रहा है। 0.89, ओके 0.89। नेक्स्ट वन, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद अगला पॉइंट हम लोग लेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। टेल मी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का टोटल कितना है। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का टोटल कितना है, 1,81,00,000, 1,81,00,000, 82,500, 82,500, 1,81,00,000, 82,500, 400, ओके 400 बोल रहे, चलेगा 1,81,00,000, 82,400, ठीक है। पर यूनिट भी बताओ ना साथ में प्लीज, आप ऐसा मत कीजिएगा। अरे चैंप लोग आप डबल काम क्यों कर रहे हो, पर यूनिट भी बता दीजिए ना इमीडिएटली, डिवाइड करना रहता है आपको डायरेक्टली। पर यूनिट कितना है, 93.73, जी हाँ 93.73, मैंने भी लिख लिया, आप भी लिख रहे हो शायद। चलो आगे बढ़ो, हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड फटैक से, नहीं रे दर्शन WIP आएगा पहले, दर्शन क्या कर रहा है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस अगर आप चेक करेंगे तो दिया है 18 लैक्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस कितना आया, 16,04,000। ठीक है तो ये आएगा मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट।
नेट फैक्ट्री कॉस्ट, चलो आंसर दो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, फटाक से आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। 1 करोड़ 80, 1,82,400 प्लस 18 लाख माइनस 16,04,000, एनीवन गॉट द आंसर? 183,78,400, 183,78,400। साथ में पर यूनिट भी बताते जाइएगा, साथ में पर यूनिट भी बताते जाइएगा, साथ में पर यूनिट भी बताते जाइएगा। आप शायद गलत आंसर दे रहे हो पर यूनिट का। पर यूनिट बताइएगा। 1,83,78,400 इसको आपने डिवाइड किया 1,94,000 से, 94.73 आ रहा है मेरा आंसर। मुक्ता जी आप आंसर चेक करो, मेरा आंसर 94.73 आया। जी हाँ, 94.73। चलो जल्दी मुझे बताएंगे कोई, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस पर यूनिट कितना लिखूं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस पर यूनिट कितना लिखूं, कोई मुझे जल्दी आंसर देगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस पर यूनिट कितना लिखूं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस पर यूनिट कितना लिखूं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस पर यूनिट कितना लिखूं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस पर यूनिट कितना लिखूं, चलो जल्दी से आंसर दीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस कितना लिखूं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस पर यूनिट कितना लिखूं, अरे दो जल्दी दो, कोई दे रहा है आंसर? कोई तो है जो आंसर देगा? अरे कोई आंसर नहीं दे रहा है, एक भी स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहा है। चलेगा, कौनो फिरकी ले रहा है, कौनो फिरकी ले रहा है। वेरी गुड फ्रेंड्स, मैं चेक कर रहा था आप आंसर देते हैं क्या। वेरी गुड फ्रेंड्स, डैश आएगा दोनों जगह पे। पर यूनिट का डेटा किसका किसका नहीं रहता है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस, ओके, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, पर यूनिट में डैश, पर यूनिट में नील आपको कंसिडर करना है। ठीक है, वेरी गुड ना फ्रेंड्स, चेक कर रहा था, सब लोग होश में तो हो। चलेगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। इज देयर एनी प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन? अरे नहीं है सर, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन नहीं है, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नहीं है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन नहीं है, वो जो अपना प्राइमरी पैकिंग है वो भी नहीं है, स्क्रैप रिकवरी कुछ भी नहीं है। ये पांच में से एक भी पॉइंट नहीं है, पांच में से एक भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो क्या मैं डायरेक्टली यहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट लिख सकता हूं, क्योंकि इसके आगे के पांचों पॉइंट नहीं है, इसके आगे के पांचों पॉइंट नहीं है। सो आई विल राइट देयर प्रोडक्शन कॉस्ट 1,83,78,400, ये आ गया मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट 94.73। चलिएगा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऐड करूंगा मैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करेगा मैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ है, 9,60,000 पर यूनिट के कॉलम में डैश। चलेगा, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब इंस्टीट्यूट ने क्या गड़बड़ किया है ये मैं आपको बता रहा हूं। इंस्टीट्यूट ने एक यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है, और वो भी फ्रैक्शन की वजह से है। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। जनरली अभी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे लेते थे, तो 1,83,78,400 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन की क्वांटिटी, प्रोडक्शन का क्वांटिटी था 1,94,000, मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी आई गेस 44,000। ठीक है, जनरली ये आंसर हम लोग लिखते थे, राइट फ्रेंड्स? और हम लोगों ने यह भी देखा कि अगर पर यूनिट ले रहे हैं, हम लोगों ने यह भी देखा था अगर पर यूनिट ले रहे हैं, ठीक है, तो पर यूनिट में आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते थे 44,000 मल्टीप्लाइड बाय 94.73, ये दोनों आंसर मैच होते थे आपने,
क्योंकि फ्रैक्शन का अब तक एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, या फिर ऐसे राउंड अप करने का एक भी क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया था। तो ये अगर आप आपका आरटीपी का आंसर देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मुझे ये दोनों का आंसर दे दीजिएगा, पहले के कैलकुलेशन से आंसर कितना आता है और दूसरे कैलकुलेशन से आंसर कितना आता है। ठीक है, 1,83,78,400 डिवाइडेड बाय 1,94,000 मल्टीप्लाई बाय 44,000। फ्रेंड्स ऊपर का अगर कैलकुलेशन किया तो 4,41,68,297 ऐसे कुछ तो भी आंसर आया, बराबर है। लेकिन अगर मैं ये सेकेंड कैलकुलेशन करता हूं, 44,000 यूनिट्स और एक यूनिट का कॉस्ट है 94.73, अगर ये ले रहा हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 4,41,68,120। सर बराबर है ना, हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते थे, प्रोडक्शन की कॉस्ट अपॉन प्रोडक्शन की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी, या फिर डायरेक्टली पर यूनिट के कॉस्ट को भी अगर मल्टीप्लाई करते थे तो सेम ही आंसर आता था हमारा, सेम ही आंसर आता था। अब यहां पे आंसर क्यों डिफर कर रहा है, दोनों से आंसर तो सेम आना चाहिए, यहां पे आंसर क्यों डिफर कर रहा है प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा, आंसर क्यों डिफर हो रहा है, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन आंसर, फटाक से आंसर दीजिएगा। यहां पे 41,68,297, 41,68,120, आंसर डिफर क्यों हो रहा है, जल्दी से एक आंसर दे दीजिएगा, देन आई विल डिस्कस। पिछला कोई भी क्वेश्चन लेके देखो सर, जहां पे हमने पर यूनिट का कॉस्ट शीट भी बनाया था, ये पर यूनिट को डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई किया तो भी सेम आंसर आता था, यहां पे आंसर अलग आ रहा है क्योंकि राउंडिंग अप का डिफरेंस है। और फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम नहीं है राउंडिंग अप की वजह से, अब ये फिगर्स बहुत बड़े बड़े करोड्स में फिगर है, तो राउंडिंग अप में 100-200 रुपए का डिफरेंस आता है, ठीक है, तो वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि राउंडिंग अप में कोई 4 डिजिट तक लेता है राउंड अप तो आंसर अलग आएगा, कोई 2 डिजिट तक लेता है तो आंसर बिल्कुल अलग आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में एग्जाम में पेपर चेकर टेंशन नहीं लेता है, पेपर चेकर 100-200 रुपए, बड़े बड़े अगर क्वेश्चन रहते हैं तो 100-200 रुपए, ज्यादा फिगर्स के क्वेश्चन है तो 100-200 रुपए का डिफरेंस इज अलाउड, चलता है, क्योंकि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, कोई 2 डिजिट तक फ्रैक्शन लेता है, कोई 4 डिजिट तक फ्रैक्शन लेता है, तो हर एक का आंसर यहां पे अलग आता है। तो फ्रैक्शन वाले अगर क्वेश्चन बाय चांस एग्जाम में आते हैं, बहुत रेयरेस्ट चांस है कि एग्जाम में ऐसे फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया है, कॉस्ट शीट का आज तक तो नहीं आया है, ये आरटीपी का क्वेश्चन है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आता है तो 200 300 100 200 रुपए का डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता है, वहां पे टेंशन नहीं लेने का, फ्रैक्शन की वजह से राउंडिंग अप की वजह से बिल्कुल डिफरेंस आ सकता है और पूरा मार्क्स मिलेगा, भले ही अभी सजेस्टेड आंसर में इन्होंने क्या किया है, सजेस्टेड आंसर अगर आप देखेंगे इसका जो आरटीपी का आंसर आप देखेंगे तो उन्होंने ये फिगर लिया है, तो इसकी वजह से एंड आंसर में हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे और वो 30 रुपए का डिफरेंस आता है तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। हाँ हम लोग नोट लिखेंगे, वेरी गुड, हम लोग नोट लिखेंगे 2 डिजिट तक फ्रैक्शन कंसिडर किया है, ये हम लोग नोट लिखेंगे, चलिएगा लिख लो ये पॉइंट। ये पॉइंट लिख लो और मार्क इंपॉर्टेंट, यहां पे आप दूसरा प्रेजेंटेशन भी दे सकते थे, राउंडिंग अप का 31 रुपए का फाइनल आंसर में डिफरेंस आता है। नोट एंड में लिखेंगे, ठीक है, लिखा। फाइनली आंसर बताइएगा, सीओजीएस कितना है, फास्ट आंसर दीजिएगा, सीओजीएस कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताइएगा, टेल मी हाउ मच इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 1 करोड़ कुछ आएगा, 50, ओके 1 करोड़ 51 लाख, 1 करोड़ 51 लाख 70,280, 1 करोड़ 51 लाख 70,280, चलिए
वीडियो को एक डिसलाइक मिला है, वीडियो को एक डिसलाइक मिला है। मेरा डेली ऑब्जर्वेशन है, बरोबर 9 बजे एक डिसलाइक होता है। तो बराबर कोई तो भी 9 बजे उठता है, काम ही वही है 9 बजे उठने का, दर्शन सर का लेक्चर चालू रहता है, एक डिसलाइक देने का, एक या दो ही रहते पूरे इसमें। ठीक है चलो कोई बात नहीं, कॉम्पिटिटर को कुछ काम तो करने दो। और अभी 12 लेक्चर, कितना है, 10th लेक्चर है, 10th लेक्चर में डिसलाइक हो रहा है भाई। पहला दूसरे लेक्चर में समझ में आ जाता है फैकल्टी सिखाता कैसे, मत देखना भाई, कंपल्शन थोड़ी है। रहते हैं फ्रेंड्स, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, उनको इसमें मजा आता है। ठीक है बरोबर 9 बजे एक डिसलाइक रहता है। गुड मॉर्निंग माय कॉम्पिटिटर, होप यू आर डूइंग गुड, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। चलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, ओके 26,52,000। एक और था ट्रैवलिंग अलाउंस, देखो एक और डिसलाइक आया, एक और कॉम्पिटिटर आया। अरे यस 100% इग्नोर ही करना रहता है। यस सर, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस है 121,000। ओके इस चलिए 121,000 ये आया था आपका ट्रैवलिंग अलाउंस। आई गेस ये सब कुछ कंप्लीट है। और कुछ सेलिंग ओवरहेड दिया है कि एक बार चेक करते, दिया है सेलिंग एक्सपेंसेस, दे हैव गिवन 6,46,000। सेलिंग एक्सपेंसेस इज 6,46,000। लगता है उसने दूसरे मोबाइल से डिसलाइक करा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए फ्रेंड्स मुझे आंसर बताइएगा ना। अरे वो, अरे 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 वो, अरे यार वो कॉम्पिटिटर को इग्नोर करो, मुझे पर यूनिट डेटा भी बताइएगा ना, पर यूनिट का डेटा भी बताइएगा ना। अच्छा ये पहले लिख लेता हूं, आपका आंसर आ रहा है 1,85,00,000 समथिंग, 1,85,00,000, 89,280, 89,280। ओके बॉस पर यूनिट बताइएगा, और गलती मत कीजिएगा, यहां पे आप पर यूनिट लेते वक्त, यहां पे आप पर यूनिट लेते वक्त फ्रेंड्स कौन से क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, प्रोडक्शन से नहीं है, सेल्स क्वांटिटी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यू हैव टू डिवाइड बाय सेल्स क्वांटिटी। ठीक है तो थोड़ा ये सीओजीएस पर यूनिट बताइएगा कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट बताइएगा, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तब तक ये नीचे वाला फिगर में आपका लिख रहा हूं 116.18। ओके 116.18 सीओजीएस का फिगर बता दीजिएगा पर यूनिट। दुर्गा जी जाने दो, अरे बहुत रहते हैं मैम, कोई टेंशन नहीं है, अपना काम है मस्त आगे बढ़ना, एंजॉय करना, और ऐसे भी लोग रहने चाहिए। चलिए अरे मुझे बताए 94.81, 94.81 ठीक है ना। उसके बाद पर यूनिट का जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल कितना आएगा पर यूनिट, मैं ही कर लेता हूं फ्रेंड्स, 26,52,000, 26,52,000 डिवाइडेड बाय सेल क्वांटिटी कितना था, 1,60,000 था आई गेस, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, सो आपका आंसर आ गया 1.35, 1.35, अरे थोड़ा जल्दी 1.35 है क्या, ये गलत है मेरा आंसर, 26,52,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, 16.575, यानी 16.58 आई कैन राइट देयर। अरे
ये भी नहीं है, 26,52,000 को डिवाइड किया मैंने, 1,60,000 जो सेल क्वांटिटी था, 16.575 आ रहा है, तो 16.58 लिखेगा मैं, 575 है ना आगे, 575 है तो 58 लिख दिया, ठीक है ना। 1,21,000 0.7576 ले लेता हूं यहाँ पे, 0.76, ओके। 6,46,000 4.04 ले लेता हूं, ओके। सो आप देख लेना बॉस, अप्रोक्सीमेटली एक दो डिजिट आगे पीछे चलेगा। ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर दिया बॉस मैंने प्रॉफिट, और ये आएगा मेरा सेल्स। फ्रेंड्स बाय द वे, सेल्स का फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ था, सेल्स का फिगर था क्वेश्चन में, अच्छा 15% प्रॉफिट ऐड करना है। सब लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ लोगों को ये 15% थोड़ा सा भी डिफिकल्ट जाएगा। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। देखिएगा मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ठीक है। सो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट इज कितना परसेंट, 15% ऑफ सेल्स, तो 15% ऑफ सेल्स इज इक्वल टू सेल्स, देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल टू, यहां पे शिफ्ट अगर होता है तो डायरेक्टली आएगा 0.85 सेल्स। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट है 1,85,00,000, 1,85,00,000, 89,280 इज इक्वल टू 0.85 सेल्स। तो जल्दी से मालिक आंसर दे दीजिएगा, सेल्स का फिगर कितना आएगा, 1,85,00,000, 89,280 डिवाइडेड बाय 0.85, जल्दी आंसर दे दीजिएगा। 1,85,00,000, 89,280 डिवाइडेड बाय 0.85, आपका जो टोटल सेल्स का फिगर आया वो कितना आ रहा है, 2 करोड़ कुछ आएगा। नहीं मलय जी एक बार आप चेक कीजिएगा, मलय जी आप चेक कीजिएगा, आंसर थोड़ा सा गलत है। 2 करोड़ टीटी इंडस्ट्रीज ने आंसर दिया है, मुक्ता जी आंसर दे रहे हैं 2,18,00,000, 2,18,00,000, 69,000, 69,741 आई गेस, 741 पर यूनिट, चेक कर लेना। 2,18,00,000, 69,741, और इसको मैं 15% अगर मैं प्रॉफिट ले रहा हूं तो 32,80,461 का मेरा प्रॉफिट है, पर यूनिट भी आप चेक कीजिएगा, पर यूनिट सेलिंग प्राइस कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं 136.69, प्रॉफिट पर यूनिट कितना आएगा फिर, प्रॉफिट पर यूनिट कितना आएगा चेक कीजिएगा। अप्रोक्सीमेटली 20.51, जी हाँ अप्रोक्सीमेटली 20.51, ओके। प्लीज अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो प्लीज राइट डाउन नोट्स, जल्दी से नोट्स लिखिएगा, काफी सारे नोट्स लिखना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीटी इंडस्ट्री 30 रुपए का डिफरेंस आएगा, एक और क्वेश्चन पूछा है राघव जी इन्होंने, सर ट्रैवलिंग अलाउंस जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, हाँ ट्रैवलिंग अलाउंस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्यों आप चेक करो ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किसको पे किया है, ऑफिस के स्टाफ को पे किया, और ये जो ऑफिस वाले बंदे थे ये जनरल काम कर रहे थे, तो ये सेलिंग में नहीं आएगा, वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आएगा। चलिए वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो फटाक से, या फिर नोट नंबर 1, आईटीसी इज अवेलेबल फॉर जीएसटी
आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी इज अवेलेबल फॉर जीएसटी, हेंस आईटीसी इज अवेलेबल फॉर जीएसटी, हेंस नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट, नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट. Not considered in cost. चलिएगा, और ये वर्किंग नोट तो आपने लिखा ही रहेगा, इतना डिटेल में देने का जरूरत नहीं है. डायरेक्टली आप 0.85 से डिवाइड करते थे तो भी ये आंसर आ जाता था, क्योंकि अगर आपका सेल 100 है, देखो एक सिंपल बताता हूं, एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. आपका सेल अगर 100 एज्यूम किया मैंने, तो प्रॉफिट आएगा 15% ऑफ सेल, तो ₹15 का प्रॉफिट आएगा. तो बॉस आपका जो कॉस्ट बनेगा वो ₹85 का कॉस्ट आएगा. तो 100 में 85 कॉस्ट है, तो हमारे पास कॉस्ट का फिगर है, तो इसको 85% से अगर डिवाइड करते तो डायरेक्टली आपका फाइनल आंसर आता है. तो ये कैलकुलेशन समझने के लिए दिया था, एग्जाम में आप डायरेक्टली 0.85% से ले सकते हैं. चलिएगा आगे बढ़ रहे. अब ये क्वेश्चन में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पहले ही आप मार्क करके रखिएगा, ऊपर मार्जिन में लिखिएगा, सो दैट एग्जाम के पहले रिवाइज करते वक्त बाकी जो नॉन एडजस्टमेंट है, जो एडजस्टमेंट आपको पता है, उसमें टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा. मेरे हिसाब से एक जीएसटी का एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट था, एक जीएसटी का एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट था, दूसरा एक नया एडजस्टमेंट आया था यूटिलिटीज वाला. तो यूटिलिटी हमने पढ़ा हुआ था, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, पावर फ्यूल यूटिलिटीज, ठीक है, या फिर आपका सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस, रॉयल्टी पेड, ये आपके या फिर स्पेशल मशीन आपने हायर किया है, तो ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे. ओके, बाकी पूरा आपका सेम क्वेश्चन था. तो ये दो नए एडजस्टमेंट हम लोगों ने सीखे यहां पे. अंशिका जी, जीएसटी एडजस्ट किसमें से करने का, सेल का आपको पता है क्या जीएसटी का रेट कितना है, या फिर सेल में जीएसटी कितना है, ये आपको पता है क्या, ये क्वेश्चन में दिया है क्या? और जीएसटी लेस कैसे करेंगे, वो एक पॉकेट से आया और दूसरे पॉकेट में गया, हमारे कोई उसका यही नहीं है. हमने कस्टमर से कलेक्ट किया, हमने कस्टमर से कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को पे कर दिया, ये थोड़ी हम लोगों का इनकम है, तो यहां पे लेस करने का सवाल ही नहीं आता है. जब हम लोग बेचेंगे जीएसटी कलेक्शन होएगा कस्टमर से, और तब जब कलेक्शन होएगा उसमें से ये पे होएगा, बैलेंसिंग फिगर आपको पे करना पड़ेगा. तो इसका सेल में लेस करना वगैरह कोई संबंध ही नहीं है यहां पर, ठीक है. ये हम लोगों ने, हमारा इनकम थोड़ी है जीएसटी लेस करने के लिए, गवर्नमेंट यानी कस्टमर से लिया और गवर्नमेंट को पे किया है. आगे चलेगा, आगे बढ़ते हैं एक और खूंखार क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइएगा. चलेगा क्वेश्चन नंबर 15 पे आइएगा. The following details are available from the books of limited for the year ended something something. Raw material purchase किया है 84 lakh rupees का. Indirect consumable material है 4,80,000 का. ये direct material है या indirect material है? अगर ये indirect material नहीं रहता था तो भी consumable कहां पे जाता है, जल्दी बताइएगा. ये एक नया adjustment है, star mark कीजिए यहां पे. ये एक नया एडजस्टमेंट सीख रहे हैं हम लोग, प्लीज स्टार मार्क कीजिएगा. अगर यहां पे इनडायरेक्ट नहीं रहता था, सिर्फ वहां पे बोला रहता था कंज्यूमेबल मटेरियल, जो कंज्यूम हो जाता है, जिसकी आइडेंटिटी फाइनल प्रोडक्ट में नहीं रहती, वो क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट मटेरियल है, और वो जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स में, वो जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स में, ठीक है. तो ये एक नया पॉइंट है, कंज्यूमेबल मटेरियल आज तक हम लोगों ने नहीं देखा था, एक नया है, स्टार मार्क कीजिएगा. डायरेक्ट वेजेस दिया, कैरेज इनवर्ड, बहुत सारे एडजस्टमेंट ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं कैरेज इनवर्ड के, कैरेज इनवर्ड जो है वो हम लोग परचेसेस में ऐड करते हैं. चलो 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 चलो,
चलो आंसर दो, वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर, वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है? वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर, जल्दी से बताइएगा, वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर। वाह भाई वाह, कुछ लोग बोल रहे हैं ये डायरेक्ट है। अच्छा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का तो सवाल ही नहीं आता है, ऑफिस में थोड़ी स्टोर रूम स्टोर कीपर रहता है, फोरमैन फैक्ट्री में काम करता है, ऑफिस में काम नहीं करता है। टीटी इंडस्ट्रीज स्टोर रूम में, वेयरहाउस नहीं है, स्टोर रूम में वेयरहाउस नहीं है, मैंने स्पेसिफिकली बोला था स्टोर रूम में रॉ मटेरियल रहता है और वेयरहाउस में फाइनल प्रोडक्ट रहता है। अरे मालिक, ये स्टोर कीपर है, स्टोर रूम वाला है। सिर्फ दो या तीन स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया, बाकी सारे स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहे हैं। एंड करेक्ट आंसर इज, अरे फैक्ट्री ओवरहेड है ना बॉस, नहीं याद आ रहा है? अरे मैंने आपको एकदम स्पेसिफिकली बोला था, आपका जो स्टोर रूम रहता है वो स्टोर रूम में कौन से खर्चे आते हैं? इलेक्ट्रिसिटी आता है वहां पे, वेजेस आता है वहां पे, सैलरी आता है वहां पे, डेप्रिसिएशन आता है वहां पे, इंश्योरेंस आता है वहां पे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आता है, ठीक है? तो ये स्टोर रूम डायरेक्टली प्रोडक्शन हो रहा है स्टोर रूम में, आंसर इज नो, ये इनडायरेक्ट है मालिक, ये फैक्ट्री ओवरहेड से। ओके, कौनो फिरकी ले रहा है, कर दिया ना मिस्टेक, दो तीन लोगों ने मिस्टेक किया, बाकी सारे लोगों ने इनडायरेक्टली मुझे आंसर दिया हुआ है। ओके, सो वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर, ये स्टोर कीपर वगैरह ये इनडायरेक्ट वर्कर है। ओके, आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर है। चलो इंपॉर्टेंट मार्क करो, दो तीन लोगों ने यहां पे गलती किया है। अदर इनडायरेक्ट फैक्ट्री स्टाफ, वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? ये आर एंड डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, आर एंड डी का खर्चा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग अलग से लेते हैं। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट के पहले क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, स्क्रैप फॉर रिकवरी एंड प्राइमरी पैकिंग, ठीक है? तो ये पता है आपको कहां पे लेना है। ए भाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैक्ट्री में मत लेना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैक्ट्री में मत लेना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हेड है अपने को आर एंड डी, क्वालिटी कंट्रोल के बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है। ओके, सैलरी टू अकाउंटेंट कहां पे जाएगा? सैलरी टू अकाउंटेंट, चलो आंसर दो मालिक, अकाउंटेंट है, जब तक हम लोग सीए नहीं होते तब तक अकाउंटेंट रहते हैं, सीए बनने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट का सैलरी कहां पे जाएगा? अकाउंटेंट कहां पे बैठेगा? जी हाँ, अकाउंटेंट कहां पे बैठेगा? फटाक से आंसर दीजिएगा। क्या बात है, वेरी गुड राहुल जी, इन्होंने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, सैलरी टू द अकाउंटेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। चैम स्टूडेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मले जी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है। सर ये प्रोडक्शन रिलेटेड क्यों नहीं है? अरे अकाउंटिंग किसका होता है? सिर्फ प्रोडक्शन का होता है या सेल वाले का भी अकाउंटिंग होता है? भाई हम लोग परचेज बिल भी डालते हैं, हम लोग सेल बिल भी डालते हैं, तो एकदम बराबर आंसर दे रहे जनरल चैंप, ठीक है? ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। कुछ नए नए एडजस्टमेंट मिल रहे हैं सर हमें ये क्वेश्चन में, मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है फ्रेंड्स। अगला एडजस्टमेंट है, चलिएगा अगला एडजस्टमेंट पे आइएगा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफ एंड ईएसआई, गलती नहीं चाहिए ये, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन टू अदर फंड, वर्कर लोगों को अलाउंसेस पे किया, ये किधर जाएगा? चलो बताओ, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, चलो ये कहा? अरे ये मैंने सिखाया था, नहीं याद आ रहा है तो आप जल्दी से वो नोट्स निकालिएगा जहां पे हमने बेसिक डिस्कस किया था, कॉस्ट शीट का कंसेप्ट डिस्कस किया था, कॉस्ट शीट का। ये डायरेक्ट वेजेस में जाता है ना बॉस, डायरेक्ट वेजेस में क्या क्या जाता है? वेजेस पे किया डायरेक्ट वर्कर लोगों को, ओवर टाइम के वेजेस पे किया आपने, ओवर टाइम का प्रीमियम वगैरह पे किया, या फिर आपने वहां पे अलाउंसेस पे किया, परक्विजिट आपने पे किया, या फिर आपने प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला, अदर फंड में पैसा डाला,
ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तोड़ मालिक। सर जी कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल, आगे बढ़ रहे अभी, कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल, ये भी एक तोड़ एडजस्टमेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ये क्वेश्चन में तो सारे नए एडजस्टमेंट है ऑलमोस्ट। चलो जल्दी से वो नोट्स निकालो, वो कंसेप्ट बुक का नोट निकालो। जल्दी से कंसेप्ट बुक का नोट्स निकालो। पावर एंड फ्यूल, अगर आप भूल गए तो मैं बता देता हूं आपको पावर एंड फ्यूल कहां पे जाता है। ये रहा पावर एंड फ्यूल जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, ये कहां पे जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सब मैंने लिखवा के दिया हुआ है आपको, सारे कंसेप्ट मैंने आपको ये दिया हुआ था। पढ़िए ना आप, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था, पावर एंड फ्यूल, ये देखो मैंने बताया था, चेंज नहीं, आपके पास भी यही नोट्स है। ओके चलेगा, इसको एक इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा फ्रेंड्स, पावर एंड फ्यूल को प्लीज आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ये भी एक नया एडजस्टमेंट सीखा हमने आज। चलिए हाँ मालिक, एक और, माय गॉड कितने नए एडजस्टमेंट है। प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, ओ साहब जी, ओ साहब जी कहां पे जाएगा ये, प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, बराबर है। अरे यार ये फैक्ट्री ओवरहेड कैसे जाएगा यार, ऑफिस एक्सपेंसेस से क्या बात कर रहे हो तुम लोग। अरे ये ऑफिस के ना, अरे भाई ऑफिस एक्सपेंसेस है, और ऑफिस किसका काम कर रहा है, प्रोडक्शन का है, तो प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है ना सर, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। ओके नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ, ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, पता है हमें ये। इनकम टैक्स, चलिएगा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आएगा या नहीं आएगा, वहां से शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आएगा या नहीं, वहां से शुरुआत करते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा फ्रेंड। इनकम टैक्स, तो याद रखना फ्रेंड, कॉस्ट शीट में इनकम टैक्स किधर भी नहीं आता है, याद रखना ये पॉइंट। इनकम टैक्स इनकम पे आता है, ये आपका खर्चा नहीं है, आप तो इनकम एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, उसका है, इग्नोर करना है ये फाइनेंशियल है, इग्नोर करना है, वेरी गुड। सो इनकम टैक्स ये खर्चा नहीं है, ये इनकम पे टैक्स पे किया आपने, ठीक है, कंसिडर नहीं किया। ओके फ्रेंड्स, फीस टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, फीस टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जल्दी से आंसर दीजिएगा, फीस टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, फटाक से आंसर दो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो फ्रेंड्स, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस में जाके वहां पे ऑडिट कर रहा है, तो ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है सीए, वहां पे जाके काम कर रहा है, उसकी फीस है 1,80,000 रुपए की, ठीक है, वेरी गुड। कौन कौन है ये, भावेश जी, अंशिका जी, रजनी जी, मुक्ता जी, मलय जी, जैनेश, अरे सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वेरी गुड फ्रेंड्स। फीस टू कॉस्ट ऑडिटर, ये भी फीस टू कॉस्ट ऑडिटर, ये भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है। कुछ लोग बोलेंगे सर कॉस्ट है ना तो सिर्फ प्रोडक्शन का, अरे भाई प्रोडक्शन की भी कॉस्ट रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी कॉस्ट रहती है, सेलिंग की भी कॉस्ट रहती है, ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑडिटर का जो फीस है वो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, सेम ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। यस टीटी इंडस्ट्रीज,
सेम ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो भर भर के कूट कूट के नए एडजस्टमेंट भरे यहां पे, कूट कूट के नए एडजस्टमेंट है। पूरे क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, पूरे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, सारे नए एडजस्टमेंट है। इसके बाद और कुछ है क्या? बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी हाँ। फीस टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये डायरेक्टर का पॉइंट आया था। देखो एक टेक्निकल याद आ रहा है फ्रेंड, टेक्निकल डायरेक्टर का फीस पे किया या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का फीस पे किया? चलो जल्दी बताइएगा। जी हाँ, कोई भी ऑडिटर रहेगा तो वो जनरल जाएगा। अरे आगे बढ़ो अभी, चलो। ये डायरेक्टर का फीस पे किया, डायरेक्टर का फीस पे किया, वेरी गुड। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एकदम बराबर है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, बराबर है। डायरेक्टर किधर बैठता है? सेल डिपार्टमेंट में नहीं बैठेगा, फैक्ट्री में नहीं बैठेगा, ये ऑफिस में बैठेगा डायरेक्टर। ओके परफेक्ट है बॉस, वेरी गुड। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, चलो ये भी एक हो गया। डोनेशन दिया पीएम नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है। सपोज आपने अभी वो कोविड की वजह से आपने कुछ 10 करोड़ का डोनेशन दे दिया, आएगा या नहीं आएगा? चलो ये बताइए, डोनेशन आपने दे दिया, कितने का डोनेशन दिया? 1,10,000 रुपए का आपने डोनेशन दे दिया पीएम नेशनल रिलीफ फंड में, कोविड के कारण आपने कुछ डोनेशन वहां पे दे दिया, ये कौन सी कॉस्ट है? फैक्ट्री? अरे बिल्कुल नहीं है, फैक्ट्री का क्या संबंध है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या संबंध है एडमिनिस्ट्रेशन का? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अरे बेचने के लिए किसी को डोनेशन थोड़ी देना पड़ता है। तो डोनेशन विल नॉट बी कंसिडर, यानी ये क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकम टैक्स कंसिडर करना है, किसी को डोनेशन हमने पे किया वो कंसिडर नहीं कहना करना है, कॉस्ट शीट का ये पार्ट नहीं है। शाबाश फ्रेंड्स, यस ये फाइनेंशियल है एडजस्टमेंट, यहां पे कंसिडर नहीं होएगा। हो आप तो चैंप बन गए हो, इग्नोर करना है, वेरी गुड। सेल दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कॉस्ट शीट बनाइएगा। मैं सारे आइटम वापिस आपको बता रहा हूं, जो जो नए आइटम हमने डिस्कस किए, क्योंकि कॉस्ट शीट अभी आपको प्रिपेयर करना है, अब गलती मत करना। कंज्यूमेबल मटेरियल है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस हो गए, कैरेज इनवर्ड आप ऐड करेंगे परचेसेस में, फोरमैन एंड स्टोर कीपर, याद रखना स्टोर कीपर इनडायरेक्ट वेजेस से फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। फैक्ट्री स्टाफ के लिए हमने वेजेस पे किया, अदर इनडायरेक्ट है वो भी फैक्ट्री ओवरहेड जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक सेपरेट हेड है हमारा। अकाउंटेंट की सैलरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस फंड में कुछ पैसा भरा, डायरेक्ट वेजेस में ऐड होएगा। पावर एंड फ्यूल इंपॉर्टेंट था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बता दिया आपको ये पॉइंट। प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, ये ऑफिस है, प्रोडक्शन प्लानिंग हो रहा है लेकिन ऑफिस में बैठ के हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन है। डिलीवरी स्टाफ, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स कंसिडर नहीं करना है, कोई भी ऑडिटर रहने दो, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, डोनेशन कंसिडर नहीं करना है, बाकी सारे आपके रिपीटेटिव पॉइंट्स है। आई विल गिव यू ओनली 12 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, 12 मिनट में ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना ही करना है, जल्दी से। कुमार जी यस, ये हम लोग क्लास डेली ले रहे हैं मॉर्निंग 8 o'clock, और ये हमारा 10th लेक्चर है। एज आई टोल्ड यू अराउंड 15% लेक्चर यूट्यूब पे लाइव रहेगा। टाइमर ऑन कर रहा हूँ, टाइमर ऑन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी 12 मिनट में सॉल्व होना ही चाहिए आपका, मैक्सिमम एडजस्टमेंट तो मैंने बोल दिया है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, रिविजन बिफोर एग्जाम, नए नए एडजस्टमेंट हम लोगों ने सीखे हैं ये क्वेश्चन में, तो प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट रीड बिफोर एग्जाम। प्रॉपरली सॉल्व कीजिएगा, और मैं बोल रहा हूँ फेयर में सॉल्व करो अभी,
मैंने डिस्कशन कर दिया है, जो लोग रफ में सॉल्व कर रहे हैं आई विल नॉट वेट, आपको ये फेयर में सॉल्व करना है। फेयर नोटबुक लीजिएगा, फेयर नोटबुक में कीजिएगा, ऑलरेडी मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं और एक एक हेड में काफी सारे आइटम है। जैसे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है, उसमें चार पांच आइटम है, तो बराबर से वो जगह देख देख के लिखो। मैंने जानबूझ के आपको बोला है सो दैट आपको पता चलना चाहिए कि मैं फैक्ट्री में कितना लाइन छोड़ दूं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में कितना लाइन छोड़ दूं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना लाइन छोड़ दूं। तो ये आराम से बराबर से धीरे धीरे वर्कआउट करना और टिक मार्क करते रहिएगा, टिक मार्क करते रहिएगा कि जो जो आइटम आपने ले लिया है वो टिक कीजिएगा। अदरवाइज इतने बड़े क्वेश्चन में एक आधा आइटम अगर मिस हो गया तो मार्क्स कट होएगा आपका। करेक्ट आंसर देना है क्योंकि एवरीथिंग इज डिस्कस। और फ्रेंड्स, ये जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी है, इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है ये हाईएस्ट यानी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो बेसिक हमने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत किया, फिर थोड़ा सा जो है वो एग्ज़ाम के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, वो भी आपको आराम से ग्रास्प हुए। अब हम लोग ऐसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि जो यानी अगर पेपर टफ आता है, ठीक है, तो एक आध दो क्वेश्चन वो जनरली टफ डालते हैं, तब ये सारे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपका पूरा प्रिपरेशन करवा के ले रहा हूं, इजी, मीडियम और टफेस्ट। तो एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो भी आप आराम से वर्कआउट कर सकते हैं। तो आगे के टॉपिक में भी वैसे ही रहेगा, सिंपल, मीडियम एंड टफेस्ट। तो पूरा प्रिपरेशन करवा के लूंगा कि डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट पेपर भी आता है तो भी आप आराम से वो सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। एक कॉपी मत करो रे, कुछ लोग मेरे लिए रुके हैं कि सर सॉल्व करेंगे तभी मैं लिखूंगा। सर पहले आप सॉल्व कीजिए, सर पहले आप, सर पहले आप, पहले आप, पहले आप में गाड़ी छूट जाएंगी, जल्दी लिखो। काफी इंटरेस्टिंग था आज का लेक्चर, दो ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाए लेकिन सारे तोड़ क्वेश्चन थे, खूंखार क्वेश्चन थे।
अगर किसी का आंसर आ गया है मटेरियल कंज्यूम्ड का, तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज़। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, लेकिन अगर आपका आंसर आ चुका है मटेरियल कंजम्पशन का, तो मुझे बता दीजिएगा। यानी आप सॉल्व करते रहिएगा और साइमल्टेनियसली आंसर भी चेक करते जाइएगा। एनीवन गॉट द आंसर फॉर दिस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड? फटाक से जल्दी। एटी सेवन थर्टी टू सिक्स हंड्रेड मिल गया। चलो आगे बढ़ो, मिल गया मिल गया, आगे बढ़ो, आ गया आंसर, आगे बढ़ो। एवरीवन प्लीज़ चेक कीजिएगा, 1,82,52,600 क्या आपका प्राइम कॉस्ट आया है क्या? बस अब चेक कीजिएगा, यस नो मत डालिएगा, चेक कर लीजिएगा, सो दैट आगे आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। तो यहाँ से अगर गलती हो तो आगे भी गलती होते जाएगा, तो बेटर एक बार चेक करते रहिएगा। 1,82,52,600 चलेगा, मुझे यस नो नहीं बोला तो भी चलेगा, बस आप चेक करते रहिएगा।
फैक्ट्री ओवरहेड का जो टोटल आया था वो 14,55,000 आया, एक बार चेक करते रहिएगा। आपका जो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ रहा है 1,97,00,000, 1,97,07,600। प्लीज एक बार आप चेक कीजिएगा। वन करोड़ 97,07,600 यह आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है, एक बार आप कंफर्म करते रहिएगा। नेक्स्ट वन, नेट फैक्ट्री कॉस्ट और नेट वर्क कॉस्ट आपको चेक करना है। 1,98,27,600, एक बार ये भी चेक कर लीजिएगा। 1,98,27,600 ये आ गया आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट। प्लीज प्रॉपरली प्रेजेंटेशन कीजिएगा, आराम से, थोड़ा सा आराम से कीजिएगा क्योंकि काफी सारे आइटम से मिस ना हो जाए। नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया 1,98,00,000 समथिंग। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस क्वालिटी कंट्रोल क्वेश्चन में नहीं दिया था, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट आपको दिया हुआ था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कॉस्ट था वो 9,60,000। आप आगे करते रहिएगा, मेरे लिए रुकिएगा नहीं, बस आप चेक करते रहिएगा। प्लीज आप कॉपी मत कीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, इसमें भी काफी सारे आइटम थे। प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट मार्क किया आपने। कुछ लोग फैक्ट्री ओवरहेड बोल रहे थे इसको, लेकिन ये ऑफिस बोला है, प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस बोला है। 12,60,000 इनर कॉलम में सपोज मैंने लिखा। एक ही था शायद, प्रोडक्शन कॉस्ट एक बार चेक कीजिएगा। टू करोड़ 20,47,600 प्लीज एक बार चेक कीजिएगा, मेरा कैलकुलेशन बराबर है क्या? यस नो नहीं, अगर गलत रहेगा सिर्फ बताइएगा। आप आगे बढ़िए। 2 करोड़ 20,47,600 परफेक्ट है, चलेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड कर दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 14,40,980, 14,40,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 9,80,000।
COGS, cost of goods sold, is it फ्रेंड्स एक बार चेक कीजिएगा 22,50,000 2,25,07,600 वेरी गुड, जिन लोगों ने सॉल्व कर दिया वेरी गुड, 22,25,07,600 इज करेक्ट। चलो ठीक है, सी ओ जी एस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर दिया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस काफी सारे आइटम्स थे इसमें, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वन बाय वन आइटम लेट्स कंसीडर। सैलरी टू अकाउंटेंट, अकाउंटेंट था कहाँ पे, तो भी जी हाँ अकाउंटेंट का जो सैलरी था वो था 7,20,000, अच्छा खासा सैलरी है 7,20,000 अकाउंटेंट का सैलरी। दो ऑडिटर्स थे, फीस फॉर स्टैट ऑडिटर, फीस फॉर कॉस्ट ऑडिटर, चलेगा फीस फॉर, कहाँ गया भाई फीस, 1,80,000 और 80,000, ओके 1,80,000 एंड 80,000, ठीक है समझ गया, फीस फॉर कॉस्ट ऑडिटर। इसके बाद था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का फीस, फीस फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज 9,40,000, मेरे हिसाब से 19,20,000 आंसर आ रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जनरल। देन आई एड देयर सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड में आई गेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आई शुड राइट देयर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन करने का खर्चा था सिर्फ, वो सैलरी कुछ था डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ का ऐसे कुछ तो भी था, हाँ सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ, वेरी गुड। सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ जी सर, आपका जो आंसर था 14,30,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम लिख रहा हूँ 14,30,000। तो फाइनली बॉस आपका जो आंसर आया वो आया कॉस्ट ऑफ सेल्स, शायद आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर लिया रहेगा, पूरा क्वेश्चन शायद हो गया रहेगा। आई गेस 2,58,57,600 ठीक है, इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया प्रॉफिट, और फाइनली हमारा जो फिगर आएगा वो आएगा सेल्स, आई गेस सेल्स इज गिवन इन क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ सेल 2,82,60,000, 2,82,60,000, और जो आपका प्रॉफिट है वो बैलेंसिंग फिगर आएगा। प्रॉफिट का जो फिगर है वो बैलेंसिंग फिगर आया 2,82,60,000, और इसमें से लेस किया 24,02,400, जी हाँ सर जी 24,02,400, काफी लोगों ने पहले ही सॉल्व कर दिया था, प्रॉफिट भी मुझे बता दिया था कि 24,02,400 है ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छे थे,
सारे के सारे ऑलमोस्ट नए एडजस्टमेंट हमें मिले हैं। क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्वेश्चन लेंदी था, यस ऑब्वियसली क्वेश्चन लेंदी था, बहुत सारे एडजस्टमेंट लिया ना ये क्वेश्चन में। आई होप यहां तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, हो गया शायद सब लोगों का। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, आज नहीं कर रहे ऑब्वियसली, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करें वो सिर्फ आप देखिएगा कितना बड़ा है, बहुत खूंखार क्वेश्चन है, आप चेक कीजिएगा, 2 पेज का ऑलमोस्ट क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये, मैं आपको बता दूं आपके नए स्टडी मटेरियल में ऐड हुआ है, ओल्ड स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन नंबर 16 नहीं था, नए स्टडी मटेरियल में ऐड हुआ है, और ये क्वेश्चन नंबर 16 में 15 से ज्यादा एडजस्टमेंट है, इसमें और ज्यादा क्लैरिटी आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड के काफी सारे आइटम है, एडमिनिस्ट्रेशन के, सेलिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन के काफी सारे आइटम ये क्वेश्चन में है, ठीक है। चलेगा, एक नोट लिखना बाकी है फ्रेंड्स, कौन सा नोट लिखेंगे, चलो जल्दी से हम लोग खत्म कर रहे हैं, नोट लिखना बाकी है फ्रेंड, नोट लिखना पड़ेगा, जल्दी बताइएगा कौन सा नोट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क नहीं दे सकता, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और उसमें मुझे डिस्कशन काफी सारे पॉइंट का करना है फ्रेंड, जल्दी से बताइएगा, मुझे नोट लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स कट करूंगा मैं आपका मार्क्स कट करूंगा अगर नोट नहीं लिखा तो। जल्दी बताइएगा कौन सा नोट्स लिखना है, याद करो, कुछ आइटम हम लोगों ने इग्नोर किया है यहां पे, एक इनकम टैक्स हम लोगों ने इग्नोर किया है, और एक हमने इग्नोर किया, कौन सा इग्नोर किया था फ्रेंड, पीएम को, पीएम रिलीफ, पीएम को नहीं, पीएफ रिलीफ फंड को डोनेशन दिया है, ठीक है, लिखो ये पॉइंट, अदरवाइज मार्क्स कट होएगा। हमारा एम क्या है, मैंने आपको बोला था अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, 80-90 क्रॉस करना है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैटर करते हैं, लिखो नोट, इनकम टैक्स एंड डोनेशन टू पीएफ, पीएम रिलीफ फंड, सॉरी, इनकम टैक्स एंड डोनेशन टू पीएम रिलीफ फंड विल नॉट बी कंसिडर इन कॉस्टिंग, विल नॉट बी कंसिडर इन कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसे लिखो, विल नॉट बी कंसिडर्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, विल नॉट बी कंसिडर्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, चलेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ, ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब कुछ आप लोगों को डाउट रहेगा तो पूछिएगा, अदरवाइज अगर डाउट नहीं है तो फ्रेंड्स आप लॉ के लेक्चर में शिफ्ट हो सकते हो, अगर कुछ डाउट है तो आप बता दीजिएगा, कल संडे है, कल संडे है फ्रेंड्स, क्या आप कल लेक्चर लेना पसंद करेंगे, कल संडे है, क्या मैं कल लेक्चर लूँ आपका, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, अगर हाँ तो फ्रेंड्स कल ये टॉपिक मैं कंप्लीट कर दूंगा, और फ्रेंड्स आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, लाइव टेस्ट रहेगा, लाइव टेस्ट रहेगा, बाकी क्वेरी बाद में डालिएगा, कल क्लास आप लेना पसंद करेंगे क्या, जल्दी बताइएगा, ठीक है। सो आप फ्रेंड्स टाइमिंग में इन्फॉर्म कर दूंगा, अगेस टाइमिंग आपको पता चल जाएगा, आज ही मैं वो इन्फॉर्म कर दूंगा, आप ये जो चैनल है वो चैनल पे आप चेक करते रहिएगा टाइमिंग क्या रहेगा, ठीक है, मॉर्निंग 8 o'clock तो नहीं रहेगा, थोड़ा सा मैं लेट ले सकता हूँ, प्लीज आप ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा आप, और आज ही मैं डाल दूंगा वो लेक्चर कितने बजे है, तो आपको वो नोटिफिकेशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स कल ये टॉपिक हमें खत्म करना है, कल लास्ट लेक्चर है, इमीजिएटली मैं उसका टेस्ट लूंगा, लाइव टेस्ट रहेगा, लाइव टेस्ट रहेगा, आपको लाइव में टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, और अगले लेक्चर में वो डिस्कशन करूंगा, तो कल के लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक फिनिश कर देंगे, ओके, संडे को लेक्चर नहीं लेता हूँ लेकिन ये टॉपिक हमें खत्म करना है, तो कल मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ और इमीजिएटली उसका टेस्ट लेंगे हम लोग, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अगर कल का लेक्चर रहेगा तो उसका मैं आज नोटिफिकेशन डाल दूंगा, कल कितने बजे लेक्चर है, ठीक है,
थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको पता है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।